राजस्थान के दौसा में प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों के बीमारी होने की खबरें मौसूल हो रही। सभी लोगों को अलग अलग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मरीजों की तादाद की वजह से अस्पतालों में बेड की कमी महसूस की जाने लगी और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल सरकारी मुलाजिमत लगने पर एक नौजवान के कुंबे ने मजहबी तकरीब मुनक़द की, जिसमें बतौर प्रसाद लड्डू पूरी सब्जी दाल के बड़े वगैरह खाने में पेश किए गए थे। इन चीजों में से ही किसी में जहरीली शय होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता शब का है, जब प्रसाद खाने के बाद एक के बाद दीगर लोग बीमार पड़ने लगे। उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसको देखकर भगदड़ जैसी हालत पैदा हो गई। मामला दौसा के मंडावर थाना इलाके हल्के में वाकई पाखर चौड़ाकी गाँव का है, जहां गुज़िश्ता शब तकरीबन 9 बजे एक साथ 300 से ज्यादा अफराद फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए।